तो मैं आपको मिलाता हूं मोनिका मचाडो से, जो हमारी लिस्ट में है सबसे टॉप पे। ये सब जो हो रहा है ना, ये इस मोनिका ने किया है। हाय एवरीवन, देखिए गाइस, सबसे कमीना तो राज है, सबसे बड़ी हसीना मोनिका हो सकती है। यहाँ बात राज की नहीं, यहाँ बात जयंत की हो रही है। राज बिल्कुल कमीना नहीं है, राज ही कमी। सॉरी, फ्रॉइडियन स्लिप इट्स कॉल्ड। देखो मुझे पता है मोनिका, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम सब जो मिलके मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है हमारी, जो कॉप भी है। तो प्लीज वेलकम हमारी ACP नायडू। Hi, good afternoon, everybody. Hi, good afternoon. Hi. इसलिए मैं अपना वॉलेट पहले ही मैं रख के आया हूँ अपना वॉलेट। मुझे पता था ये सब हरकतें करती रहती हैं ये। अरे नहीं यार, मेरा काम ही है ना, चेक कर रही थी बस। चेक कर रही थी कि वो किसी और का कार्ड है कि उसका कार्ड। देखो मैं कमी हूँ नहीं, दो वजह है। एक तो मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और दूसरे तुम नेटफ्लिक्स के यहाँ खड़े हो यार। अरे मैं कैसे कमी नहीं हो सकती हूँ ना, ये मेरा ही है सब। That's true. Actually नहीं है, आप तो ये सब इन्हीं का ही है। इसको हम रेटफ्लिक्स भी बोलते हैं कभी कभी। अरे फिर करेक्ट, हमारी फिल्म में एक लड़की है जो मेरी जैसी बहुत ही प्यारी सी, भोली सी सूरत, सच्चा मन, उसको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम निकी। तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये कमीनी नहीं हो सकती है। आई थॉट आई एम द लव ऑफ योर लाइफ। या यू आर, बिल्कुल ये कमीनी नहीं है गाइस। सारा शक इन लोगों के बना के रखिए, ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स। ये है वो सारे कमीने, देख लीजिए, शक्ल पहचान लीजिए। देखिए इन सब में सबसे बड़ा कमीना कौन है ये तो मुझे पता है, लेकिन बाद में आप सबसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कमीना कौन है। तो मैं अभी से बता दूं कि प्लीज मेरा नाम मत लेना या लेकिन अब देखिए, ये है हमारी पूरी टीम। मैंने आपको बता दिया कि ये सब मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका शक बिल्कुल भी मुझ पर आने मत देना जब आपसे पूछा जाएगा कि कमीना कौन है। हम यहाँ पे छोटा सा गेम भी खेलेंगे, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। गाइस लेट देम वॉच एंड डिसाइड। तो हमारे पास यहाँ टीम्स हैं, मैं टीम बता देता हूँ जस्ट। तो राजकुमार राव, सिकंदर खेर, वासन वाला एक टीम में हैं, हुमा, आकांक्षा, जेन और दीक्षा जी एक टीम में हैं, सुकांत, भगवती सर, राधिका और सरिता जी एक टीम में हैं। ठीक है, सबको पता चल गया अपनी अपनी टीम्स। तो अब गेम एक खेलेंगे हम, जिसमें कि आपको अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलना है, एक स्टेटमेंट। ओके, तीन स्टेटमेंट हर टीम में से बोले जाएंगे, और उन तीन में से दो झूठ होंगे, एक सच होगा। बाकी टीम्स को गेस करना है कि सच कौन सा है। दो झूठ एक सच यहां पे आपके सामने पेश किए जाएंगे हर टीम की तरफ से। सबसे पहले जो टीम है, जो कि राजकुमार राव, सिकंदर खेर और वासन बाला की जो टीम है, वो अपने अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट बोलेंगे। इट कैन बी आइदर सच और झूठ। हाँ, वो सच हो या झूठ हो वो आप डिसाइड करें, लेकिन बाकी टीम बताएंगी कि वो सच है कि झूठ। हम टेस्ट राउंड कर लेते हैं, जिसमें सिकंदर खेर अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलेंगे, हम सब मिलके गेस करते हैं कि सच है कि झूठ है। तो अनिल कपूर ने मुझसे कहा था कि तू मुझे होगा, मुझे, इसलिए मैंने मुझे उगाई। वाह क्या बात है, क्या लग रहा है आप लोगों को, ये सच है? जो लोगों को लगता है सच है हाथ उठाएं। पहले तो यहाँ स्टेज पे कितने लोगों को लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि इनकी मूछें जो है अनिल कपूर की वजह से हैं। एक दो तीन चार, अच्छा 50-50 है रफली। एक दो तीन लोग हैं जो नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या ये सच है? सच बिल्कुल नहीं है। वो तो एक्चुअली जेलस हो गए, मुंडवा मुंडवा मुझे बोलते हो। वही मैंने सोचा, अगर ये सच है तो ये बहुत दुखदाई सच है। ये ऐसा मतलब पूरा आपने किरदार बना लिया अनिल कपूर के कहने पर। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।